11 हो गया, 9 नहीं हुआ, 10 हो गया, 11 हो गया, बाकी कौन कौन सा रहेगा? एक तो 6 रहेगा और एक 9 रहेगा। 6 हमारे सिलेबस में है, 6 होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट टाइम डिस्कस किया। जिन बिजनेसेस की मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाते हैं, मतलब मल्टीपल ब्रांचेस हो जाते हैं, तो उन ब्रांचेस को गवर्न करने के लिए वो लोग एक हेड ऑफिस भी बनाते हैं। ठीक है, अब हेड ऑफिस में कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं होती, सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई कहां से निकलती है? उनके ब्रांचेस। लेकिन इन ब्रांचेस को गवर्न करने के लिए जो हेड ऑफिस हमने बनाया है, उस हेड ऑफिस को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे हम क्या देते हैं? इनपुट। ठीक है, अक्सर ऐसा भी होता है कि सेंट्रल परचेजिंग हेड ऑफिस में होती है और फिर हेड ऑफिस से वो गुड्स इधर उधर डिलीवर किए जाते हैं। ठीक है, अब वो मैकेनिज्म चलेंगे और धीरे धीरे समझा रहा हूँ, समझ लेंगे। मान लो सेंट्रल परचेजिंग वाला सिस्टम कि पहले हम हेड ऑफिस में माल परचेज करते हैं और फिर वहां से अपन हर ब्रांचेस को उनके डिमांड अकॉर्डिंगली सप्लाई करते हैं, किसी को कम और किसी को ज्यादा। तो अगर ये गुड्स वाली बात है, जो गुड्स आपने क्या कर दिए हैं? ट्रांसफर कर दिए, तो फिर उस केस में तो इन गुड्स का जो इनपुट है वो इनपुट भी उसी रेशियो में ट्रांसफर होगा जिस रेशियो में गुड्स गए। एग्जाम्पल, हमने 10 लाख के गुड्स खरीदे, इनको 2 लाख के पहुंचाए, इनको 4 लाख के पहुंचाए, इनको 1 लाख के पहुंचाए और इनको 3 लाख के पहुंचाए। तो 10 लाख पे जो 80,000 का इनपुट है वो भी इसी रेशियो में जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने कोई सर्विस अवेल कर ली और उस सर्विस पर्टिकुलर एक ब्रांच के लिए ही अवेल कर ली, तो उस सर्विस का पूरा इनपुट उसी ब्रांच के लिए जाएगा। ठीक है, सर फिर बचेगा क्या? कोई ऐसे गुड्स एंड सर्विस जो कहां पे कंज्यूम हो गए हैं? हेड ऑफिस में ही कंज्यूम हो गए। हेड ऑफिस में भी स्टेशनरी लगती होगी, क्लीनिंग मटेरियल लगता होगा, हेड ऑफिस के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी सर्विसेज लगती होगी। तो भाई ऐसी चीजें जो हमने एज अ कंपनी होल कंज्यूम कर ली है हेड ऑफिस में, अब क्या करेंगे लोग इनपुट का? क्योंकि इनके लिए तो इनपुट पे काम कर लिया ना, जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है वो तो यहाँ हो रहा है, तो वो लोग किस इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? किस रेशियो में? टर्नओवर के रेशियो। हर ब्रांच का जितना टर्नओवर होता है उस टर्नओवर के बेसिस पे उस इनपुट को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर ये करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्योंकि ये जो मेरी ब्रांचेस है ये सब अलग अलग स्टेट में है, सबका अलग अलग क्या है? रजिस्ट्रेशन है, इनका एक अलग रजिस्ट्रेशन है, तो इस रजिस्ट्रेशन पे इनपुट काम लगता नहीं है, तो ये क्या कर रहा है? अपने ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका नाम पड़ गया ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनको अपना रिटर्न फाइल करना होता है मंथली बेसिस पे, जितनी भी इनपुट्स इन्होंने अवेल करी है उसका इनवॉइस बना के इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है लॉजिकल प्रोपोर्शन। लॉजिकल प्रोपोर्शन मैंने आपको समझा दिया कॉमन सेंस पे बेस्ड है। ठीक है, ये रिटर्न वो लोग हर महीने की 13 तक 13 करेंगे आप, कौन सी IFRP है, वैसे ही आप इनको भी हर महीने की 13 तक ये इनका GSTR 6 जिसमें ये अपनी हर ब्रांच को वो इनपुट इसके लॉजिकल रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कंप्लीट। तो आप वो जो ब्रांच है उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, उसने दूसरा भी माल कहीं और से खरीदा होगा, ठीक है, तो सामने वालों ने GSTR 1 फाइल किया होगा, इन्होंने ISD फाइल किया होगा, उन्होंने 1 फाइल किया होगा या IFR फाइल किया होगा 11 या 13 तारीख को, इन्होंने फाइल किया होगा 13 तारीख को, तो 14 तारीख को इसका 2B बनके रेडी हो जाएगा ना। फिर जो इसने सेल किया होगा, ये इसने अपना 1 फाइल कर ही दिया होगा, तो 3B नहीं, अपना क्या कर देगा? टैक्स पे कर देगा। समझे कि नहीं? मैं ओके, बस इतना ही, ये भी नहीं, GSTR 6 आपकी बुक में है ही नहीं, ये तो मैं समझा रहा हूँ कैसा मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ताकि हमें ये याद रहे कि GSTR 2B जनरेट होने में ISD का भी क्या होता है? रोल होता है, और किस तरीके से होता है आपने समझने आता है। ठीक है,
आपकी बुक वाइज चल रही है। जीएसटीआर 9 पड़ता है एंटर लेवल, कि आप लोगों ने। अब हम बात करेंगे सिर्फ रेगुलर टैक्सेबल पर्सन की, मतलब मैं आईएसडी, ओईडा, ईडीएस, टीसीएस, कंपोजिट वालों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो लोग जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उनकी, और वो भले ही मंथली करें या क्वार्टरली करें, ये उनका साल बीता। बात करते हैं क्वार्टरली वालों की, 4 क्वार्टर में उन्होंने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया। अब किसी जीएसटीआर 1 में कोई प्रॉब्लम है तो वो नेक्स्ट में उसको क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। अमेंड करने में ऊपर नीचे प्लस माइनस होगा, मींस मैंने यहाँ पे कहा था कि मेरी 50 लाख का सेल्स है, लेकिन फिर पता पड़ा कि यार 10 की सेल्स और है, तो फिर वो 10 बची हुई मुझे यहाँ डालनी पड़ेगी, तो यहाँ 50 लाख की तो थी सी प्लस 10 लाख की और हो गई, ठीक है 60 हो गया। फिर मुझे पता पड़ा कि यार इस 50 में मैंने 5 ज्यादा कर दिया है ना, तो ये मुझे 5 अपने वाले में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट में 50 लाख माइनस 5 लाख, तो अब आप प्लस माइनस का एडजस्टमेंट करते जा रहे हो। तो इस पूरे डेटा को लॉक करने के लिए उन्होंने कहा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 31 दिसंबर तक आप ये आपका एनुअल रिटर्न फाइल करो, जो कि डेटा को क्या कर देगा, लॉक कर देगा, ठीक है। अब आप अपना फाइनल रिटर्न यहाँ पे बना सकते हो। इसकी ड्यू डेट क्या है, 31 दिसंबर। कमिश्नर चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकता है, कमिश्नर चाहे तो सच पर्सन को एक्सेप्ट कर सकता है कि आपको जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल कमिश्नर ने ऐसा कर भी रखा है। कमिश्नर ने क्या कर रखा है कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर अंदर है उसको अब जीएसटीआर 9 फाइल करने की कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो जो आपने ये डेटा फाइल किया है इसी को हम मिक्स करेंगे और इसी को आपका एनुअल रिटर्न मान लेंगे, क्लियर। पर ये तो बातें अभी आपके बुक में नहीं लिखी हुई, आपके बुक में रूल्स ऑफ रेगुलेशन लिखा हुआ है, टेम्परेरी नहीं जो कोई बात को लिखते नहीं है। तो रूल्स ऑफ रेगुलेशन कहता है कि सबको जीएसटीआर 1 जिसको फाइल करना है उसको जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फाइल करना है, पर कमिश्नर चाहे तो सच क्लास ऑफ पर्सन को क्या कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर, ठीक है। अब जीएसटीआर 9 के नाम पे, एनुअल रिटर्न के नाम पे 9 9A 9B और 9C ठीक है 9C 4 स्टेटमेंट 9 कौन फाइल करेगा, नॉर्मल वाला सेम है जीएसटीआर 1, जिस जिसको जीएसटीआर 1 फाइल करना है उन सबको क्या फाइल करना है, 9 फाइल करना है, ठीक है। देन 9A कौन फाइल करेगा, कंपोजिशन डीलर, ठीक है, जो कंपोजिशन वाला डीलर है वो अब एनुअल रिटर्न 9A फाइल करेगा, ठीक है, जो कि ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, जरूरत नहीं है क्योंकि उनका कोर भी क्या है 9 की एक ही तरह ही है, कोर भी तो वो एनुअल ही फाइल करते हैं, पर 9A फाइल करे ना करे एक बराबर है क्योंकि कमिश्नर ने 5 करोड़ बोली किया है और कंपोजिशन में कौन रहेगा, 1.5 करोड़ वाला, तो वो तो कभी उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी नहीं, चाहे तो कर सकता है नहीं भी करे तो चलेगा। फिर है आपका 9B, ये कौन फाइल करेगा, ठीको जिसके ऊपर टीसीएस टैक्स कलेक्ट करने की लायबिलिटी है वो फाइल करेगा 9B। 9C स्पेशल, आपके पूरे सिलेबस में इन 3 को लेके सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि हु एंड व्हेन, बस दूसरी कोई बात नहीं, कौन फाइल करेगा, कब तक फाइल करेगा, फाइल क्या करना है, क्या क्या डेटा डालना है, ये सब नहीं लिखा, शायद सीए फाइनल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब 9C को लेके बहुत क्रिस्टल क्लियर रूल लिखे हुए हैं कि 9C किसके ऊपर है,
एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब वापस से वही GSTR 1 वाले, और इवन जिनको 9A और 9B भी फाइल करना है वो भी, ठीक है। अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर जाता है तो मतलब ये तो लॉ में ही लिखा होगा कि ये वाला फाइल उसको करना है जिसका टर्नओवर क्या है 5 करोड़ से ज्यादा है। सर इस 9C में नया क्या है? जब ये लोग 9 फाइल कर ही देंगे तो सी में नया क्या है? सी में नया क्या है कि ये एक तरीके का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS देखा है ना, बैलेंस एज पर पासबुक से बैलेंस एज पर कैशबुक या कैशबुक से पासबुक वाइस वर्सा करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है, रिकंसाइल करना है। सर किसके बीच में? आपका जो डेटा आपने GSTR रिटर्न पे फाइल किया है वो, और जो आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है वो, इन दोनों के डेटा में अगर फर्क है तो वो फर्क किन चीजों का है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। कि ये पिछले साल का प्लस था, ये माइनस था, ये रिकमेंड किया है, ये नहीं किया है, तो वो सारी चीजें एडजस्ट करके आपको रिकंसिलिएशन बना के देना है। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या एग्जांपल समझते हैं? हो सकता था कि मेरे लास्ट ईयर के रिटर्न का भी कोई अमेंडमेंट हो जो मैंने इस वाले अमेंडमेंट में इस वाले रिटर्न में किया हो। एग्जाम्पल लेते हैं कि सर लास्ट ईयर का मेरा जो रिटर्न था ना वो गया था 30 लाख, मेरे से गलती हो गई थी, इसमें 10 लाख, इसमें 15 लाख की चीज थी जो मैं दिखाना भूल गया था, तो उसको अब मैं कब तक अमेंड कर सकता हूँ? इसी भी साल का अमेंडमेंट मैं नेक्स्ट ईयर के 30th November या एक्चुअल पेपर रिटर्न एनुअल रिटर्न विजिलेंस आईडी तक कर सकता हूँ। मैं तो जैसे ही पता पड़ा अगले रिटर्न में मैंने अमेंडमेंट कर दिया, मतलब इसमें मैंने 15 लाख जोड़ दी। अभी 15 लाख मैंने जोड़े हैं लेकिन ये इस साल के थोड़ी, इधर वापस साल में पिछले साल में, अब आप टोटल करो, इधर का आएगा 65, इधर का आएगा 60, इधर का आएगा 45, इधर का सिंपल रखते हैं 50, कितना हो गया बेटा टोटल एवरेज का प्लीज? 220। तो एज पर माय रिटर्न मेरा टर्नओवर कितना हो रहा है एज पर रिटर्न? 220। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें तो मैं इसी साल का लूंगा ना, और इसी साल में से आप 15 क्या कर दो, माइनस कर दो, 220 में से माइनस करूंगा मैं 15। सर ये पिछले साल का अमेंडमेंट था तो अब मेरा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने से दिख रहा है? 205। समझता है? ये रिकंसिलिएशन मुझे इनको किसमें देना है? 9C। और जब हम ये सारी रिकंसिलिएशन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता पड़ती है। जैसे अभी हम ऑडिट कर रहे थे तो हमारे ऑडिट में मेन टास्क की GST की चीजें रिकंसाइल करना रह जाता है, क्योंकि बहुत सारी बार हमारा असेसी पैसे ले लेता है और बिल भरते नहीं देता क्योंकि उसको GST लगती है, तो बिल भरवाने पड़ता है। बहुत सारी बार हमें पता पड़ता है कि असेसी ने बिल किसी एक अमाउंट का भर रखा होता है और हमें उसने एक्सेल फाइल में लिख के कुछ और दिया होता है और रिटर्न में कुछ और जा चुका होता है। बहुत सारी बार उसने माल पे परचेस किया होता है पर अपने डीलर को अपना GST नंबर नहीं दिया होगा, तो हमारे पास GST लग के बिल आया होता है पर उसका क्रेडिट हमें 2B में शो नहीं होता। तो ये सारी चीजें हम उससे कहते हैं कि भैया इसको करेक्ट करके लाओ। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने यहाँ तो करेक्ट कर लेता है लेकिन फिर GST में भी तो हमें करेक्ट करना पड़ेगा ना, अमेंड करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें हम GST में भी क्या करेंगे? अमेंड करेंगे। अब समझना, क्रोनोलॉजी समझो, साल खत्म हुआ, साल खत्म होने के बाद मैं ऑडिट देता हूं 30th September तक। 30th September में मैंने सारी चीज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो क्या करा दी, करेक्ट करवा दी, लेकिन डेटा तो चोरी कर रहा है ना, तो अब मैं उसको क्या करूंगा, फिर बाद में अमेंड कराऊंगा। अब जब मैं अमेंड कराऊंगा तो मैं अमेंड तो इस फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न में होंगे ना, इसका डेटा तो जो गया सो गया, तो मुझे अब 9C को रिकंसाइल करके देना पड़ेगा। समझे किसे? कि वहां रिटर्न में इतना गया है पर एक्चुअली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतना है, जो फर्क है इन इन रीजंस है और इन इन रीजंस को हम अमेंड कर चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा 9 में आ जाए पेज नंबर 15.48। एक फर्क है, हमने यहां कहा सेम एज GSTR 1, तो GSTR 1 किसको फाइल नहीं करना था? कौन कौन थे वो? LRTP, CT, सालों,
यही एक था। सीटीपी को तो कर नहीं, अरे सीटीपी ओईडा के बंदर ने यहां पर आ गया, इन अब कंपोजिशन को छोड़ के हम क्या करते हैं सिटी में, कि कंपोजिशन के लिए जो है ना 98 तो कंपोजिशन को तो फाइल करना है और सिटीपी को नहीं करना, क्योंकि अभी कोई पीछे से बोला बहुत पहले भी सर कि वो भी तो कितने दिन के लिए रहता है, 90 डेज के लिए रहता है, तो जो एनआरटीपी है वही क्या है सिटीपी है, ठीक है। आईजीपी फाइल नहीं करना है, टीडीएस टीसीएस वालों को फाइल नहीं करना है ना, हां अभी टीसीएस वालों को भी इको वालों को फाइल करना है, TCS की लाइब्रेरी अगर चार जनों पे आ रही है उसमें से एक इको है तो उसको तो 95 करना है, बाकी के TCS वालों को फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ओईडा को भी फाइल करना है, क्लियर। अगर 5 करोड़ से आ रहा हूं और सेम पर्सन सेम इन सारे पर्संस को 9C भी फाइल करने की जरूरत नहीं, 9C रिकंसिलिएशन भी फाइल करने की जरूरत नहीं है इन सब। अब बोल रहे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या लाते हैं वो कंसी कंसेप्शन का, दोनों का डेटा अलग अलग होता है हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है। नहीं डेट से 31 दिसंबर डेट से नहीं सर, आगे बढ़े। हाँ रीजन ऑलरेडी उसमें होते हैं, अब ये पूछ रहा है सर 9C में अपन रीजन भी लिखते हैं, रीजन ऑलरेडी उसमें होते हैं, आपको तो करेक्ट रीजन के आगे से अमाउंट डालना होता है, और अगर कोई दूसरा कोई रीजन होता है तो एक अदर भी होता है, अदर में लिख के आप डालते हो, ठीक है। ये सेव कर दूंगा मैं, भेज दूंगा अब तो 9 हो गया हमारा, अब आ जाओ QRMP स्कीम में। पेज नंबर 15.40 पे आओ, बोर्ड से पढ़ाओ मतलब बोर्ड में वीडियो कॉल करके पढ़ाओ, तो लिखने नहीं वाला आप अपना मैकेनिज्म समझा दूंगा, पीडीएफ में ही समझा दूंगा, पीडीएफ में ही चल रहा है। रोहित और रोहित थोड़ा तो काम कर ले तू, चलो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है लेकिन है सिंपल, अगर आप कॉमन सेंस के नजरिए से समझो तो सब समझना है, घुसते जाओगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, पहले परसेप्शन बिठा लेना उसके बाद रूल समझेंगे तो समझना है। टॉपिक है ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, कि टैक्स पे करने की ड्यू डेट क्या है, तो भाई क्या होनी चाहिए टैक्स पे करने की ड्यू डेट, टैक्स पे करने की ड्यू डेट आखिरी दिन क्या होना चाहिए टैक्स पे करने का, सर जो लास्ट डेट है किस चीज की रिटर्न फाइल करने की, जो बंदा जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी जो लास्ट डेट है वही उसकी क्या है ड्यू डेट, सिंपल। कि अब रेगुलर पर्सन क्या फाइल करता है GSTR 1 और GSTR 3, तो टैक्स कहां पे करता है 3B में पे करता है, तो 3B की जो लास्ट डेट है वही उसके लिए टैक्स की लास्ट डेट, 3B की लास्ट डेट क्या है सर जो मंथली वाले हैं उनके लिए 20, जो क्वार्टरली वाले हैं कुछ स्टेट में 22, बाकी के स्टेट में 24, ठीक है ओके। फिर कंपोजिशन वाले की लास्ट डेट क्या है, कंपोजिशन वाले की अब देखो थोड़ा सा फर्क है, कंपोजिशन वाले की रिटर्न फाइल करने की डेट तो GSTR 4 की 30 अप्रैल है,
लेकिन उन्होंने 3 दिन को 4 उसमें डिफर कर दिया, तो 18 तारीख तक CMP 08 आपको फाइल करना होता है। तो CMP 08 ही तो क्या है, पेमेंट की तो फाइल करना उसमें, तो वही क्या है ड्यू डेट। फिर फोन के बाद क्या है आपको फाइल, फाइल की लास्ट डेट क्या है आपकी ITRCTC का पासवर्ड किसको चाहिए, ये मोबाइल ले जाओ उनको बोल दो फॉरवर्ड पासवर्ड कर दो, मेरे फोन में से दे देना है यार। GSTR फाइल किसका, NRTP तो ड्यू डेट क्या है उसको तो एडवांस में एक जमा कराना है ना, और एक फिर भी क्या है मंथली 20 और 7 दिन आपका जो एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी, हां तो वही उसकी ड्यू डेट है। सेल्फ असेसमेंट बेस पे पहले जमा करा है, और अगर कम पड़ रहा है तो वहां जमा करा है, कम पड़ रहा है तो ब्याज के साथ जमा, ठीक है ओके। फिर एनआरटीपी के बाद क्या है ISD, ISD का ISD का GSTR 6 पे टैक्स थोड़ी जमा कराना होता है, उसमें तो इनपुट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फिर GSTR 7 किसके लिए, TDS क्या थी 10 तारीख, तो वही ड्यू डेट है, उसके बाद जमा कराना तो क्या लगेगा। फिर उसके बाद TCS वो भी क्या है 10 तारीख, वही तो जमा कराना है। फिर 9 ये तो एनुअल है, उसमें टैक्स की लायबिलिटी थोड़ी है, टैक्स की लायबिलिटी तो आप पहले ही जमा करा चुके हो, हाँ एनुअल में आपको पता लग रहा है कि सर टैक्स ज्यादा बनना चाहिए था, उन्होंने हमने कब जमा कराया, तो अब तक किसके साथ जमा कराना पड़ेगा, ब्याज के साथ, ड्यू डेट तो वही। फिर क्या है आपका GSTR 10 वो भी फाइनल रिटर्न है स्टॉक का उसका, तो वो जो उसकी डेट है उसमें टैक्स बनता है, तो वही उसकी ड्यू डेट है, ठीक है। फिर 11 UIA ये तो रिफंड क्लेम करता है, इनको तो टैक्स जमा कराना ही है। तो अब साला ड्यू डेट में समझना समझना क्या रह गया, QRFT स्कीम क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ठीक है। पहले तो QRFT स्कीम समझो सर, QRFT स्कीम में क्या होता है कि रिटर्न तो हमारा चला गया क्वार्टरली पे, क्वार्टरली पे चला गया, तो अगर ये मेरा जुलाई से लेके जुलाई अगस्त और सितंबर वाला क्वार्टर है, तो अब जो GSTR 3B फाइल होगा वो तो कब फाइल होगा, सितंबर के बाद 3B है तो, और क्वार्टरली वाला होगा तो 24 अक्टूबर तक फाइल होगा, ठीक है। तो रिटर्न तो क्वार्टरली चला गया पर मंथली पेमेंट होना चाहिए, तो अब 3B पे ही पेमेंट करता हूं 24, तो रहेगा नहीं है तीसरे महीने का 3B में कर देना, लेकिन यार पहले और दूसरे महीने के लिए तो हम कोई और मैकेनिज्म चलेंगे सर, क्या मैकेनिज्म चलेंगे, अब आपको मंथली पेमेंट तो करना पड़ेगा सर, कब करें मंथली पेमेंट, क्योंकि अभी तक हमने मंथली हमने पेमेंट ये समझा है कि आपका पेमेंट होता है रिटर्न के साथ, है कि नहीं, पेमेंट किसके साथ होता है रिटर्न के साथ, कंपोजिशन में नहीं होता है, कंपोजिशन में भी तो क्वार्टरली पेमेंट ले रहे हैं ना CMP 08 से, वहां सारी डिटेल तो ले नहीं रहे, वहां तो सिर्फ टर्नओवर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आपसे टैक्स ले रहे हैं। फिर यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि यार अब इसमें भी तुम्हें कंपोजिशन वाली थीम चलानी पड़ेगी, और जैसे आप कंपोजिशन में पहले पेमेंट दे देते हो अपना डेटा बाद में देते हो, यहाँ पे भी वैसे ही करो, अब आपको 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ सिर्फ किसके लिए फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड महीने का तो रिटर्न फाइल करी होगी ना, तो वहां तो आप टैक्स फाइल करोगे ही, बिना टैक्स फाइल करे रिटर्न तो आपका जाएगा ही नहीं। तो ये जो QRFT स्कीम है इसमें सारा फोकस हमें पहले महीने और दूसरे महीने का रखना है, ये कह रहे हैं पहले महीने की जो भी टैक्स लायबिलिटी है
और भरो आप रिटर्न, लेकिन जो भी टैक्स लाइबिलिटी है वो पहला महीना खत्म होने के बाद 25th of August आप पहले महीने का टैक्स पे करो, और दूसरे महीने की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आप फाइल करो 25th of September। सर बिना रिटर्न फाइल के टैक्स जमा करा दे? हाँ, बिना रिटर्न फाइल करे आप टैक्स जमा करा दो। कहां पे? चालान से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा करा। अब सर फिर बेकार बात हो गई है, क्यों हो गई है तुम्हारे साथ? आपने कहा कि चलो रिटर्न क्या हो गया क्वार्टरली, फिर टैक्स मांग रहे हो मंथली, तो हिसाब हमें सबको लगाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा रिटर्न ही फाइल ना कर दे। एक चांस देते हैं आप लोगों को, आपको सारी मौत किसकी वजह से आ रही है? कंप्लायंस की वजह से। सारा प्रॉब्लम आ गया ही क्यों है? कंप्लायंस की वजह से। कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो गए, काम धंधा करेंगे कंप्लायंस में, तो उन्होंने आप पेमेंट जमा कराने के दो तरीके लिए। एक वाला तो बहुत सिंपल है, कॉमन सक्सेसफुल असेसमेंट, खुद जमा करा दो, तुम हिसाब लगा लो कि पहले महीने मैंने कितने का परचेस, कितने का सेल। एग्जांपल ले लेते हैं सर, पहले महीने में 5 लाख की तो परचेस थी और सेल कितने की थी? 6 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का आउटपुट ज्यादा है, तो 1 लाख रुपए का मेरा क्या बनेगा? टैक्स बनेगा 1 लाख रुपए का। मान लो सब कुछ इंटरस्टेट ही था, तो सीजीएसटी एसजीएसटी 9000 सीजीएसटी 9000 एसजीएसटी जमा करा दो, तुम्हारा हिसाब तुम लगा दो। मैं कह रहा हूँ यार, यही तो प्रॉब्लम है मेरी, कि मुझे हिसाब लगाना पड़ रहा है, कंप्लायंस का यही तो मेन लफड़ा है, हिसाब तो लगाना ही पड़ेगा, और अगर मैंने गलत जमा करा दिया तो ब्याज भी रोकेगा, ब्याज का डंडा नहीं रखेंगे तो फिर तो सब कभी जमा करेंगे, जान बूझ के भी तो कराएंगे, कम जमा कराएंगे, तो ब्याज का डंडा रखना तो हमारी क्या है, मजबूरी है। फिर मतलब ही क्या रहा आपके क्वार्टरली करने का? मतलब ही क्या कि नहीं, एक और चीज, फिक्स सम मेथड। इस फिक्स सम मेथड में आप क्या करो, 35% जमा, तो यहाँ पे भी आप 35% जमा कराओगे। यहाँ पे भी आप 35% जमा कराओगे और यहाँ पे भी आप 35% जमा कराओगे। तो सर आप 35% किसका जमा कर रहे? जस्ट प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड बोल रहा हूँ, क्वार्टरली नहीं, जस्ट प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। एग्जाम्पल कि ये मेरा अगर क्वार्टर है जिसके लिए मैं QRMP स्कीम चलाना चाहूँ, तो उससे पहले अगर मैं क्वार्टरली टैक्स पे करता था तो उस क्वार्टर में कितना टैक्स पे किया? उस वक्त 35% नहीं सर, उस टाइम पे मैं क्वार्टरली नहीं था, ये पहली बार मैं क्वार्टरली में आया हूँ, तो उस टाइम पे मैं आप मंथली थे तो उस महीने का जो टैक्स था उसका 35% कटी। समझ रहा है? क्वार्टरली था तो फिर तो 35%, और अगर मंथली था तो फुल। और कॉमन सेंस वाली बात है, 35% कहां से आया? 100/3 करा, 33.33 अच्छा नहीं लगता ना उनको 35%। तो अगर आपका पिछला टैक्स पीरियड क्या था? क्वार्टर था, तो क्वार्टरली जो टैक्स लाइबिलिटी थी उसका कितना परसेंट? 35%। और अगर क्वार्टरली नहीं था सर, ये तो पहली बार मैं क्वार्टरली ऑफ करता हूँ, इससे पहले तो मेरा क्या था? मंथली था, तो उस मंथ का जो टैक्स था वो तो पूरा का पूरा फुल। क्लियर है? सेकंड मंथ में भी वही वाला जो पहले में था। मीन अब अपन टाइम पीरियड ले ले, एग्जाम्पल बताओ, क्वार्टरली के हिसाब से लो कि मंथली के हिसाब से लो? मंथली के हिसाब से लो, मतलब इससे पहले ये जो हमारा क्वार्टर है, ये हमारे एग्जाम्पल में कौन सा क्वार्टर है सर? ये जुलाई से लेके सितंबर वाला क्वार्टर है ना, तो इससे पहले तो मैं फाइल जो कर रहा था वो कौन सा कर रहा था? मंथली। तो जुलाई के पहले वाला मंथ कौन सा था? जून। तो अब मैं कहता हूँ कि मैंने जून के महीने में ना 50,000 रुपीज का टैक्स जमा कराया था, इनपुट आउटपुट माइनस करने के बाद कितना जमा कराया था? 50,000। एग्जाम्पल ब्रेक हो गया, मंथली फाइल किया था जून, इनपुट आउटपुट माइनस करने के बाद टैक्स पेमेंट कितना हुआ था? 50,000। तो 50,000 का कितना परसेंट?
100% मंथली है तो 100%। मतलब सर अब आप जुलाई के लिए जो टैक्स है वो कब जमा कराओगे? 25 अगस्त को। तो कितना जमा कराओगे? पूरा 50,000 का। फिर सितंबर अगस्त के लिए जो जमा कराओगे कब कराओगे? 25 सितंबर को। कितना जमा कराओगे? पूरा पूरा 50,000 रुपये जमा कराओगे। अब आप ये मत कहना सर इसके लिए तो ये वाला देखो ना, टैक्स पीरियड तो वही था, ये तो आप सिर्फ टैक्स जमा करता है, रिटर्न तो फाइल ही नहीं करता। लेटेस्ट रिटर्न तो आपने यहाँ फाइल किया था, उस रिटर्न में जो टैक्स जमा कराया 50,000। अब ये नहीं कि 50,000 मैंने कैश में जमा कराया तो ये 50,000 आपका जैसे भी हो वैसे, ठीक है, कैश लेजर हो कि क्रेडिट लेजर, 35% नहीं है कैश लेजर। इनपुट आउटपुट करने के बाद अगर आपने कैश में जमा कराया था तो आपको जितना आपने कैश में जमा कराया था वही आपको क्या करना है यहाँ पे जमा करना। वापस सुन लो, अलग अलग क्वेश्चन पूछ लो, परमिटेशन कंपनेशन समझ लो। सर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट फैसिलिटी में पर्याप्त पैसा था, इस महीने मुझे कोई कैश जमा कराने की, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कुछ भी देने करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी, तो इधर भी कुछ जमा नहीं कराऊंगा, सेल्फ असेसमेंट भी नहीं कराऊंगा। हेलो, कुछ भी फिक्स सम में इंटरेस्ट भी, आगे बढ़ने वाले अपन इंटरेस्ट का टॉपिक, फिक्स सम में इंटरेस्ट भी, क्योंकि फिक्स सम को मैं आपने एक सहूलियत दी, मुझे हिसाब ही तो नहीं लगाना था, कुछ हिसाब पे ही तो मौत आ रही थी मेरे, तो आपने कहा जो पिछले महीने का था वही क्या करते जमा करा, तो पिछला मेरा मंथली था तो जितना मैंने उस टाइम जमा करा वही मैं इस टाइम जमा करा। सर उस टाइम मैंने कुछ जमा कराया नहीं, तो इस टाइम भी मैंने कुछ जमा नहीं करा, क्लियर है? अब ये चीज एक महीने एक क्वार्टर चली, अगले क्वार्टर में क्या करोगे? अगला क्वार्टर कौन सा है आपका? अक्टूबर से के दिसंबर, तो इस क्वार्टर में आप ये वाला थोड़ी देखते जाओ देवा कौन सा ये। तो अब आपने इसके थ्री बी में क्वार्टरली में जितना कैश जमा कराया होगा, मान लो आप उस टाइम तो सर उधर कुछ भी लाइब्रेरी नहीं थी ना, तो मैंने यहाँ भी कुछ जमा नहीं कराया, यहाँ भी कुछ जमा नहीं करा, जमा नहीं करा लाइब्रेरी तो की, जमा नहीं कराया लाइब्रेरी तो की, अब वो थ्री बी में तो फुलफिल करनी पड़ेगी वो लाइब्रेरी। सर थ्री बी में मैंने जमा करा दिया, और अब थ्री बी में कितना जमा कराना निकला? 1,00,000। तो अब इस क्वार्टर में क्या चेक करा जाएगा? पिछला टैक्स पीरियड जो कि क्या था क्वार्टरली, उसका कितना परसेंटेज? 35% मैंने कम जमा कराया है, कोई इंटरेस्ट की पेनल्टी नहीं है। कोई इंटरेस्ट की पेनल्टी नहीं है, क्योंकि तुमने जितना कहा उतना ही मैंने जमा कराया, फिर किस बात की पेनल्टी दूं? समझे कि नहीं? तुमने ही कहा ना 25% जमा करा दो, मेरे को तो हिसाब किताब कराना ही नहीं था, मैं तो प्रोटेस्ट कर रहा था सड़कों पे आके, जब भी इलेक्शन कर रहा था बेटा जी वो बोला था पागल हो तुम, तुम्हें मैं बोल दू तुमने जीएसटी लाया महीने के 3 रिटर्न ला देते, तुमने कहा क्वार्टरली भर, फिर क्वार्टरली में कहा कि तुम तो हिसाब लगाओ, मैंने कहा मेरे से तो नहीं लगेगा हिसाब, फिर तुमने कहा चलती गई हिसाब नहीं लगेगा तू तो फिक्स तौर पर जमा करा दे 35% जमा कर, तुमने जितना कहा मैंने जमा कराया कि नहीं करा, अब लाइब्रेरी ज्यादा आगे तो मेरी क्या प्रॉब्लम, कुछ ब्याज नहीं दूंगा, क्लियर? हाँ अगले महीने में देखेंगे। आप कह रहे हो कि अरे यार 1,00,000 के हिसाब से 35,000 जमा करा दी, मेरी टोटल लाइब्रेरी निकल गई इस पूरे क्वार्टर की 1,50,000, और 1,50,000 में से कितना 70 तो जमा हो चुका है, तो मैं 80,000 तो जमा कराऊंगा ना,
और अगर ये एक ही जमा नहीं कराऊंगा तो इस पे तो तुम ध्यान लोगे ना, है ना। अब अगले क्वार्टर के लिए मेरी लाइबिलिटी कितनी मानी जाएगी? 50,000। 50,000 में 35% जमा करा दूं, जमा कराया था उतना अगर और जितना मैंने जमा कराया था उसके फिक्स सम के अकॉर्डिंग मुझे जमा कराना है और मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उतना पैसा पड़ा हुआ है तो भी जमा कराओ क्या? ऑलरेडी है मेरे कैश लेजर में पैसा, फिर क्यों पैसे दूंगा? नेक्स्ट में भी ऑलरेडी मेरे कैश लेजर में पैसा था, तो अब मैं बात करता हूँ कि मान लो मैंने यह 50,000 जमा कराया था, जमा कराने के बाद भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में होगा कोई TDS TCS का रिफंड जिसके वजह से मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फिर से मिला हो गया, या मेरी लायबिलिटी थी 50,000 पर मेरे क्रेडिट कैश लेजर में ऑलरेडी 1,50,000 रुपये पड़ा था तो 50,000 माइनस हो गया तो 1,00,000 रुपये मेरे कैश लेजर में ऑलरेडी पड़ा है ना। अब आप क्या कह रहे हो, मंथली 50,000 था तो इस महीने भी 50,000 जमा कराना है तो है तो सही मेरे खाते में 50,000। फिर आप कहोगे कि अगले महीने भी 50 जमा करना है तो सर मेरे खाते में तो 1,00,000 रुपये थे, 50 पिछले महीने में एडजस्ट हो, 50 किस महीने में एडजस्ट हो, इस महीने भी कुछ जमा नहीं करना। अब मेरे एग्जाम्पल में मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपये ना होंगे, 80,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो सर पहले महीने की लाइबिलिटी 50 तो है ना, अगले महीने की लाइबिलिटी फिर से 50, तो साले 80 में से 50 तो तूने पिछले महीने एडजस्ट कर ली, तो कितने और एडजस्ट होंगे? 30, तो इस महीने और कितने जमा कराने हैं तुम्हें? 20। कॉमन सेंस समझ में आ रहा है आपको? मैं कह रहा हूं सर मेरे पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में काफी पैसा पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में काफी पैसा पड़ा, मेरी लाइबिलिटी आएगी ही तो मैं जमा कराऊंगा, मर्जी मेरी, मर्जी नहीं। मतलब सर आप एक क्वार्टर में भी जिसमें आपको 2 महीने में, तीसरे महीने में तो हिसाब ही होगा, 2 महीने में आपको मंथली पेमेंट जो करना था उसमें भी आप एक में फिक्सम मेथड और एक में सेल्फ असेसमेंट मेथड चला सकते हो क्या? हाँ चला सकते, मर्जी तो मतलब हर महीने का ऑप्शन, एक महीने में फिक्सम चलाना तो फिक्सम चला दे, एक महीने में सेल्फ असेसमेंट चलाना हो तो सेल्फ असेसमेंट चला दे, पहले में सेल्फ असेसमेंट दूसरे में फिक्सम, पहले में फिक्सम दूसरे में सेल्फ असेसमेंट, दोनों में सेल्फ असेसमेंट दोनों में फिक्सम, मर्जी जहां मर्जी। बस प्रॉब्लम क्या है, अगर तूने फिक्सम यूज कर लिया तो अब तेरा टैक्स कुछ भी बने, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर तूने सेल्फ असेसमेंट यूज किया बताया ना इधर लगाना उनकी मजबूरी है, तो हम बड़े वाले मक्का रहे हमसे, हम जान पूछ के सेल्फ असेसमेंट में क्या करेंगे, कब जमा कराएंगे, इंटरेस्ट तो लगी नहीं ना, सेल्फ असेसमेंट में तो इंटरेस्ट लगेगा, फिक्स सम में इंटरेस्ट नहीं ले रहेगा, नहीं करा तो तुम बनता है ना परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके मुझसे पूछ लो, मैं सेम चीजों का आंसर तुम्हें दे देता हूँ। देखो सिंपल बात, मैं टैक्स कभी जमा कराऊंगा, समझो आप नजरिया समझ लो, जब आप सरकार का रूल बनाने का नजरिया समझ लोगे ना तो सब कुछ सारे रूल आप अपने आप ही बनते हो। मैं टैक्स कभी जमा कराऊंगा जब मेरे पास मुझे टैक्स जमा कराने की जरूरत होगी तो, ठीक नहीं तो मैं नहीं करूँगा। सर जो पैसा मांग रहे हो तो या तो मेरे कैश लेजर पे या मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे जमा नहीं करा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो फिक्स सम के बेसिस पे भी जमा नहीं करा, समझे कि नहीं समझे? क्लियर? इवन इसका इंटरेस्ट भी तो सेल्फ असेसमेंट ही होता है, आपके ऊपर एक्ट में लिख के लाइब्रेरी डाल दी जाती, जमा तो आपको खुद को कैलकुलेट करके ही करना पड़ेगा, आप खुद जमा कराओगे करा दोगे तो वो लोग नहीं पकड़ेंगे, आपने नहीं कराया वो लोग पकड़ेंगे, तो प्रॉब्लम, ठीक है समझेंगे?
अब इसमें क्या है कि जब आप फिक्स सम मेथड में पैसे जमा कराते हो तो वहां पे एक मंथली पेमेंट ऑप्शन होता है जो आपको चूज करना होगा। जब आप चालान क्रिएट करोगे ना, तब चालान क्रिएट करते समय फिक्स सम मेथड जमा करा रहे हो, उसको पता पड़ना चाहिए ना आपने सर में किया कि फिक्स सम नहीं किया। तो जब आप फिक्स सम में करोगे तो वहां पे जो मंथली पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन होता है वहां पे मंथली पेमेंट, उसको क्लिक करता हूं। जब आप उसको क्लिक कर देते हो तो वो जो चालान आप जमा करा रहे हो वो पैसा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता तो है लेकिन वो वहां पे आके फ्रीज हो जाता है। अब आप उसको जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते तब तक आप उसको निकलवा नहीं सकते, तो तुम तो शाड़े बन जाओ, तुमने जमा करा के रिफंड भी दे दो तो वो नहीं। जैसे ही तुमने वो ऑप्शन क्लिक किया तो अब वो पैसा वहां क्या हो गया, फ्रीज हो गया, रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर नहीं लेकिन क्या रहेगा, फ्रीज रहेगा। फिर आप 3B फाइल करोगे, 3B में तो पूरा क्वार्टरली का हिसाब करोगे, ये इनपुट ये आउटपुट, ये मेरा टैक्स बनता है, ये जो टैक्स बनता है उसमें से इतना इतना मैं ऑलरेडी जमा करा चुका हूँ, इतना मेरे कैश लेजर में है तो रिमेनिंग में और जमा कराऊंगा, सेटअप का बटन दबाऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर से क्या होगा, हवा गायब होगा। उसके बाद जो बचाओ तो पैसा आप निकालो आप, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे जमा नहीं करो, सेल्फ असेसमेंट में अगर आपका टैक्स बनता ही नहीं तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी क्यों है, नहीं है फिक्स सम में तो कराओगे तो पता पड़ेगा ना, फिक्स सम में जमा करो, नहीं कराओगे तो क्या माना जाएगा, सेल्फ असेसमेंट माना जाएगा। नहीं था, हाँ तो तुम नहीं कराओगे, नहीं कर, जब समझो इंटरेस्ट की लायबिलिटी कब आएगी, जब पैसा जमा कराने की जरूरत थी और तुमने नहीं कराया। अब जब जरूरत ही नहीं थी, तुमने नहीं कराया तो किस बात का इंटरेस्ट भाई, जब पैसा पड़ा है और तुम कह रहे हो मैंने नहीं जमा कराया तो ऑब्वियसली ना जो पड़ा है नहीं करा। अब सर जो पड़ा है वो कम है, जो कराना था वो ज्यादा था, तो फिर ब्याज की लायबिलिटी आएगी नहीं आएगी भाई। फिक्स सम में तुम्हारी लायबिलिटी थी 50,000 पर तुम बेवकूफों ने जमा कराया 40,000 तो 10,000 में लायबिलिटी आएगी नहीं आएगी, 10,000 में लायबिलिटी आएगी ना। हाँ हाँ ये पूछी बात हक है, वेरी गुड, ये मैं देख के बताता आनी नहीं थी मैंने। फिक्स सम मेथड उसी के लिए है जिसका पिछला रिटर्न फुल टैक्स पीरियड के लिए हो। जो ये बोल रहा है ना उसी का एडवांस वर्जन बोल, मैंने तो रजिस्ट्रेशन ही आई थी और अब मैंने रजिस्ट्रेशन लेते ही क्वार्टरली ऑफ, तो कहां से लाऊं फिक्स सम, पिछला तो टैक्स पीरियड ही नहीं, तो फिर फिक्स सम हो सकता है, उसके लिए फिक्स सम ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं। सेल्फ असेसमेंट में ही जमा करो, इनपुट आउटपुट के हिसाब लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करो, इनपुट आउटपुट के हिसाब लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करो। डन। अब मैंने एडवांस बोल कि मैंने रजिस्ट्रेशन तो लिया था लेकिन अब मंथली में मैंने रजिस्ट्रेशन, पता है जून का महीना था ना, जून के महीने में 10 जून को मैंने रजिस्ट्रेशन किया, 10 जून को रजिस्ट्रेशन किया और इन 20 दिनों का तो मैंने रिटर्न फाइल करके टैक्स जमा कराया। तो क्योंकि आपका पिछला टैक्स पीरियड एक कंप्लीट टैक्स पीरियड नहीं था तो आपके लिए इस क्वार्टर में फिक्स सम मेथड एप्लीकेबल नहीं है सेल्फ असेसमेंट के लिए, समझिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया होगा, मान लो May 29 और आप रिटर्न फाइल कर रहे हो मंथली, तो मई के तो 2 दिन और जून का तो पूरा महीना होगा, तो फिर आपको फिक्स सम वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, समझेंगे। आगे चलो, आपने 29 मई को रजिस्ट्रेशन ले लिया
पर रिटर्न मंथली ना रख के रिटर्न कैसा रख दिया आपने क्वार्टरली, तो अब आपका टैक्स पीरियड क्वार्टरली था, क्या आपने कंप्लीट टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल किया क्या पिछली बार? नहीं, तो वापस से फिक्स सम मेथड नहीं, समझे भी नहीं कि आप अगर फिक्स सम मेथड लेना चाहते हो तो वो डिपेंड करता है पिछले टैक्स पीरियड, और अगर पिछला टैक्स पीरियड मंथली हो तो क्वार्टरली हो, वो टैक्स पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। मंथली है तो पूरा महीना होना चाहिए, क्वार्टरली है तो पूरा क्वार्टर होना चाहिए। ये आपकी समझ में आ गई, इंटरेस्ट वाली बात भी समझ में आ गई, इंटरेस्ट वाली बात अक्सर केस स्टडी में आएगी, और इसके लिए आपको दो एग्जांपल बहुत बढ़िया दे रखे हैं। फिक्स सम मेथड है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर आपने उतना जमा करा दिया है तो वो पिछले पे बेस्ड है, करंट आपका कम आए कि ज्यादा है कोई प्रॉब्लम। लेकिन मान लो आपने करंट क्वार्टर एंड पे भी अपना 3B में भी टैक्स जमा नहीं करा, तो फिर तो ब्याज लगेगा कि लगेगा? फिक्स सम पे नहीं लगता, अगर वो फिक्स सम का अप्रोप्रिएट पैसा तुम जमा कराते तो तुमने अप्रोप्रिएट जमा ही नहीं करा, तुमने तो फिक्स सम में से भी कम करा, तो उस पे लगेगा कि नहीं लगेगा? क्लियर होगा? हाँ, पुस्तक मैंने से पूछ लो, वो तो रिटर्न पे करेंगे तब, इधर सेटअप मेटअप की जरूरत ही नहीं है, तो मॉडल पे काम करने वाला ठीक है। अब सेल्फ असेसमेंट में हो, फिक्स असेसमेंट फिक्स सम में हो, सेल्फ असेसमेंट में हो, सेल्फ असेसमेंट में तो तुम सेल्फ रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हो ना, मैं सोच समझ के जमा करा रहा हूं, और आपकी समझ अगर कम निकले फिर ब्याज तो हम लेंगे ठीक है। सर, इस सर इसके मान लो रिस्पेक्ट हो पर आप कंपोजिशन से अब इस पे आ रहे हो, अगर वो पार्टी है प्रॉप कर रहे हो तो उसको भी फिक्स सम में करना हो गया, नहीं लगेगा फिक्स, क्योंकि वो तो टैक्स लायबिलिटी है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि मान लो पिछले क्वार्टर की आपकी लायबिलिटी आई थी 100 ठीक है, तो आपको 35% मतलब 35 और 35 जमा कराने थे, ये आपने करा दी तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी। अब पता क्या पड़ा कि एक्चुअली में आपकी लायबिलिटी आ रही थी 42 आपकी एक्चुअल लायबिलिटी एक्चुअल आ रही थी 40 और 42, लेकिन जो आपकी टोटल लायबिलिटी थी ना वो 1125 की थी टोटल लायबिलिटी। पहले वाले में देखो, पहले वाले में क्या, पहले वाले में अकाउंट बोला ही, मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं कि पूरे महीने की लायबिलिटी थी आपकी 125 और वो आपने GSTR 3B के ड्यू डेट पे जमा करा दी, तो ये जो शॉर्टेज था 5 और 7 इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि आप चले किसके हिसाब से, फिक्स सम से चले आप, और आपने अपनी रिस्पांसिबिलिटी GSTR 3B के ड्यू डेट पे फुलफिल कर दी ठीक है। अगला वाला सिनेरियो और क्रिस्टल क्लियर समझना, वो क्या कह रहा है कि यार तुम चले तो फिक्स सम के हिसाब से बिल्कुल सही, लेकिन तुमसे प्रॉब्लम क्या हुई कि तुमने ये 125 ड्यू डेट पे ना जमा करा के लेट जमा कराया 30 तारीख को, तो यार अब आपके 6 दिन का ब्याज लगेगा। कितने पे लगेगा कि 125 जमा कराना था पर आपने सिर्फ 35 70 ही जमा कराया, तो रिमेनिंग पे 6 दिन का ब्याज लगेगा 18%, वो पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से होता है, तो 1 महीने का ब्याज लगेगा पूरा 1.5%, ठीक है, डेज के हिसाब से ब्याज नहीं लगता।
ना जीएसटी में लगता है ना इनकम टैक्स के हिसाब से, दोनों में ब्याज लगता है मंथली बेसिस, जिसके लिए बोलते हैं मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, सर अगर ये 35-35 फिक्स सम, सुनो अगर ये 35-35 फिक्स सम ना होता, सेल्फ असेसमेंट होता, तो फिर तो ये 5.7 पे ब्याज लगता ही लगता, भले ही आप 24 को जमा कराओ कि 30 को जमा। टेस्ट आप सब कहेंगे ना कि कोई नहीं दे रहा, एक दो तीन और यशवंत तू भी दे रहा है क्या टेस्ट? अरे यशिका पुष्पा जी ने चार जने नहीं दे रहे, चार जने नहीं दे रहे, चार जने नहीं दे रहे, बाकी सब बोल। Thank you.